यहाँ से अब। ये मेरे साथ लीला आंटी है, रिवोंग है। हो चुकी है नए दिन की नई शुरुआत और आप सबको स्वागत है हमारे अपने चैनल मिस्टर एंड मिसेस बेड में। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज है बुद्ध पूर्णिमा, तो आज बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हम जा रहे हैं मॉनेस्ट्री बुद्ध पूर्णिमा सेलिब्रेट करने। तो हम जा रहे हैं मजनू टिल्ला की ओर। मेरे साथ है ये दोनों, देखो मैं साइड में से देख रहे हैं, वीडियो बना रही हूँ तो दोनों साइड में देख रहे हैं। ये देखो ये दोनों हैंडसम बन के कहाँ जा रहे हो दोनों? तो ये दोनों भी मेरे साथ ही जा रहे हैं वहाँ पे। मैं और हम, मम्मी पापा नहीं जा रहे, मम्मी पापा जॉब पे चले गए, तो मैं जा रही हूँ, ये दोनों भाई जा रहे हैं और मैं जा रही हूँ ऊपर मेरी आंटी के साथ, जो लीला आंटी है बहुत करीबी, उनके साथ जा रही हूँ। तो चलो दिखाती हूँ मैं कहाँ जा रहे हैं और कैसे सेलिब्रेट करते हैं। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। निकल गए हम घर से, अब ऐसे जा रहे हूँ गाड़ी में। मैं ब्लॉग बना रही हूँ। तो हम निकल गए यहाँ से अब। ये मेरे साथ लीला आंटी है, रिवोंग है, वंगचुक, प्रज्ञा और अदीप। हाँ, आए हुए शिव मंदिर के दर्शन करने। जय शिव शंकर। ना
बुद्धत्व का मतलब ये है, निर्वाण के मतलब ये है कि अंदर जो दुख है वो नहीं है, दुख नहीं है, तनाव नहीं है, परेशान नहीं है, है ना। एक गाड़ी के लिए मेरे वो दोस्त पड़ोसी ने पैसे कहाँ से लिया मालूम नहीं, चोरी किया होगा, किसी को डाकू डाला होगा, किसी को इसने कुछ किया होगा, नहीं तो इतना बढ़िया गाड़ी महंगा गाड़ी हुआ कहाँ से लिया है ना। तो हम जब नकारात्मक सोच में जाते हैं तो रात को हम सो नहीं सकते, इधर उधर वो गाड़ी आ रहे हैं, गाड़ी वो दोस्त का नाम है ना, दोस्त का नाम आ रहा है, दोस्त का वो चेहरा देगा, गाड़ी का नंबर सिचुएशन रिवर्स वे ऑफ थिंकिंग। अब क्या करें, अभी पॉजिटिव में आएगा, ठीक है, पॉजिटिव में वाह पवन गौरव के नए गाड़ी में, मैं तो खुश हूँ, मैं तो उसमें एक खतरा भी दे दूंगा यार, आ जाओ मैं बहुत खुश हूँ, गाड़ी को एक खतरा लगा दो, आपने गाड़ी खरीदा, मेरे पास पैसे नहीं, गाड़ी नहीं, लेकिन मैं खुश हूँ, मैं एकदम संतुष्ट हूँ। अभी देखो ये कितना मजा आएगा, जीत भी आया, मन में शांति भी है, खुश भी है ना। तो इट्स ओनली वे ऑफ थिंकिंग, योर हैप्पीनेस एंड योर सफरिंग इज डिटरमाइंड बाय योर थॉट। तो यहाँ पे देख सकते हो ये सारी जितने भी लाइन लगी हुई इतनी लंबी, ये सारे अंदर जाने के लिए लगी हुई है, जो प्रसाद बट रहे हैं उसके लिए लगी हुई है। खाने के लिए जा रहे हैं अंदर, तो बहुत ज्यादा लाइन लगी, और ये बहुत ज्यादा शैतान है। लाइन सर भी ने पूरा हाल कर दिया है और लाइन इतनी है कि क्या करें, लंबी लाइन से लग के आए हैं, और ये दोनों को देखो लाइन के अंदर से घुस के खाना लेके भी बैठ गए। देखो ऐसे छोटे छोटे होने का
बहुत फायदा होता है। बस हम यहाँ से अब निकल रहे हैं, जा रहे हैं घर। भाई मतलब पूजा थी तो वो बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी, उस चक्कर में बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रहा है। तो चलो अभी रेस्ट करते हैं, थोड़ी देर बाद फिर आपसे बात करते हैं। तो हो चुकी है शाम और शाम के टाइम में मैं खा रही थी दही, अब गेस करो किसके साथ, अंगूर के साथ। तो आप लोग भी बताना आप लोगों को ऐसे ही दही खाना किस किसका पसंद है और अंगूर डाल के कौन कौन खाता है। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है अंगूर, या कोई और भी फ्रूट्स वगैरह डाल दो, बड़ा अच्छा लगता है। सो करते हैं एंजॉय दही और अंगूर के साथ। तो आज का पूरा कार्यक्रम हो चुका है ख़त्म, है ना। तो आज मज़ा आया गुम्बा मॉनेस्ट्री जाके? क्यों क्यों नहीं आया? खाना अच्छा नहीं था। केरा खाना अच्छा नहीं था क्योंकि खाने में था मिर्ची, तो वैसे भी ये मिर्ची तो खाता नहीं है इसलिए इसको अच्छा नहीं लगा, है ना। तो घर पे आके खाया भी तो था चाउमीन, है ना। तो चलो उसका करती हूँ कि आप लोग को भी अच्छा लगा हो ये ब्लॉग हमारा, जो पूजा वाला ब्लॉग था अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो तो क्या करना है? लाइक सब्सक्राइब शेयर। हाँ तो इसने बोल दिया है कि इसके लिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और देखते रहना हमारा चैनल मिस्टर एंड मिसेस भट्ट। तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय बाय। Fuck.